कल सुबह प्रेजेंटेशन है तो थोड़ा सा क्राइसिस सिचुएशन। Right now I think काफी लेट हो जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, आप फाइल देख लें, सुबह परेशान हो रही है। Are you sure? हाँ पार्क में चले जाते हैं ना। आयशा नाराज हो गई है। नहीं वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। बताया उन्होंने दोस्ती आपकी? बस यही बताया था। कहाँ जा रही हो? मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा बासित, जाने से पहले अम्मी से मिल सकते हैं? याद आ रही थी उनकी। ऑफ कोर्स। सजते पे लो बेटा। क्या कह रही है, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद निकाल लूंगा। अरे नहीं, तुम इस घर के दामाद हो। दामाद नहीं बल्कि मेरे बेटे, और बहुत अच्छे बेटे। मानती हूँ माजी में मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं लगता कि हमें माजी दोहराने की जरूरत है, जो हुआ हो गया। मैं आयशा से बहुत प्यार करता हूँ और आयशा मेरे लिए बहुत अहम है, और इसके लिए जो भी है मैं वो मेरे लिए आना है। आयशा मेरी बहुत ताबेदार बच्ची है, बहुत प्यारी और बहुत एहसास करने वाली। अच्छा अम्मी, मैं चाह रही थी जोया भी यहाँ होती, मैं उससे भी मिल लेती। क्या भाई जोया कैसे आएगी, माशाल्लाह से बहुत खुश है अपने घर में और बड़ी मसरूफ। मैं चाहती हूँ आप भी खुश रहें। दवाएं टाइम पे खा रही हैं? नहीं कहाँ, बस इस परेशानी ने तो मुझे बीमार ही कर दिया। क्या परेशानी? अम्मा ये राइस दीजिए ना। I'm good, thank you. बस बेटा, अपना घर अपनी छत, बहुत बड़ा साहिबान। तुम्हें लोन का तो पता चल ही गया होगा ना? अम्मा वो ग्लास नहीं मिल रहे थे बर्तन की अलमारी में, जरा ढूंढवा। तो देखो ना, मैं बासित से बात कर रही हूँ। अम्मा शरबत देना है आके, एक दफा जरा देख दें। मैं शरबत ला अभी आती हूँ बेटा, मैं आके करती हूँ बात तुमसे। क्या भाई, किन बर्तनों की बात कर रही हो? मैं नहीं चाहती आप बासित से कोई भी बात करें। क्यों? क्योंकि मैं ये सब कुछ प्रोफेशनली हैंडल करना चाहती हूँ। हेलो, क्यों अम्मी को क्यों अंदर बुलाया? मैं नहीं चाहती तुम या अम्मा कोई भी बासित से लोन के बारे में कोई भी बात करे। ईशा पहले ही इतना एहसानात है उसके, बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती उस घर में तुम्हारी पोजीशन ऑकवर्ड हो। मैं और मैं वैसे भी एप्लीकेशन अप्लाई कर दूंगी और नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू ही होगा सब। अरे भाई जैसे तुम्हारी मर्जी, कर लो अपनी मनमानी। मैं तो ये चाहती थी कि ये सब कुछ बस आसानी से हो जाए, हमें कोई परेशानी ना हो। फिर भी जैसा चाहती हो करो, लेकिन बस लोन मिलना चाहिए। नहीं होगी कोई परेशानी। तुम परेशान मत हो। मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई किया था, मैं शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ, सिर्फ दो इंटरव्यूज बाकी हैं। वो फ्रेंच बेनिफिट्स भी दे रहे हैं जिसमें रेजिडेंस भी है। अगर ऐसा हो जाता है तो किसी के एहसान की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। लेकिन अभी अम्मा या बासित को मत बताना, मैं चाहती हूँ इतफा कन्फर्म हो जाए फिर ही बताए। नहीं मैं नहीं चाहती, बाकी हो जाएगा तो जाओ। परेशान अरे बेटा कुछ और लो ना। नहीं बहुत शुक्रिया, मैंने ऑलरेडी बहुत ओवरहीटिंग कर लिया। इसे बहुत अच्छा लगा आज आप लोग आए लंच पे, सबने साथ बैठ के फैमिली की तरह खाया, बहुत अच्छा लगा। असल में मैं चाह रही थी कि यूरोप जाने से पहले अम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर लो। क्या तुम यूरोप जा रही हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, दुनिया देखेगी मेरी बच्ची, मैं तो सबको बताऊंगी भाई। आयशा हनीमून पे जा रही है? फ्लाइट फ्लाइट कब की है? बस कल की। हाँ जी मैं चाहता हूँ ऑफिस से पहले कोई इम्पोर्टेंट कॉल आए हम लोग निकल जाएं। हाँ हाँ बेटा जरूर जरूर, जाओ खूब घूमो फिरो, यही उम्र है घूमने फिरने की। जी थैंक यू, तो इजाजत है। हाँ बहुत शुक्रिया।
अम्मी मुझसे गलती हो गई हो तो माफ कर दें। नहीं बेटा, कोई गलती नहीं हुई तुमसे। माफ कर दिया? कर दिया। एक्सक्यूज मी मैम, आप सर अपने रूम में नहीं आए, आज ऑफिस नहीं आए। क्यों? उस वक्त तक तो आ जाता है वो। क्यों? अब वो फोन उनका आउट ऑफ रीच है, दरअसल वो आउट ऑफ कंट्री है 1 वीक के लिए। आउट ऑफ कंट्री? व्हाट? मुझे तो इन्फॉर्म नहीं किया उसने। और आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। मैम सॉरी मगर सर की गैर मौजूदगी में उनका रूम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है किसी को। मैं आपको दूसरे रूम में शिफ्ट करवा देती हूँ। मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं चाहिए। पहली दफ़ा देख रही हो मुझे ऑफिस में। मैम रूल्स तो सबके लिए बराबर ही हैं। जब बासित को खुद कोई प्रॉब्लम नहीं। सुहा मैडम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग जवाद, नॉट वेरी गुड टुडे। प्लीज आज की मीटिंग की फाइल लेकर कमरे में आना। यस मैम, राइट। आप रहने दें मैडम, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये नाराज हो गई तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी हमारा अगला प्रोजेक्ट इन्हीं के साथ है। ठीक कह रहे हो, तुम ही जाकर बात करो, मेरे बात करने से मजीद गुस्सा ही ना हो जाए। What nonsense! बताकर तो जा सकता था। प्रोजेक्ट फाइल रेडी है, आप काइंडली चेक कर दें। बासित साहब ने कहा था आपको दे दें। What do I do with it now? कुछ समझ नहीं आ रही। इस तरह अचानक से बिजनेस ट्रिप पे चला गया, That's so unprofessional। और ये बासित की सेक्रेटरी, She's quite overconfident। अपनी बाउंड्रीज नहीं पता इसको। चलो बासित आएगा तो उससे डिस्कस कर लूंगी। मैम बासित सर अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर गए हैं, वो किसी बिजनेस ट्रिप पे नहीं गए। और उन्होंने कहा था मैं ये फाइल एडिट करके आपको दे दूं। आप अच्छे से चेक कर लें, जो भी चेंजेस होंगे मैं रीड्राफ्ट कर लूंगा। मैम वो आप माइंड नहीं कीजिएगा लेकिन बोलो। मिस बानो से जरा बच के रहिएगा, आपको शायद मालूम ना हो लेकिन ये सर बासित की काफी खास है। शी इज जस्ट सेक्रेटरी, खास कैसे हो गई? बानो बासित साहब की साली हैं, मिस आयशा की बहन। आयशा की बहन तभी। पर मैंने तो सुना था कि आयशा बासित की सेक्रेटरी है ना? जी वो थी यहां पर लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अचानक से चली गई और कुछ टाइम के बाद पता लगा कि बासित सर ने उनसे शादी कर लिया। अचानक से शादी कर ली? कोई वजह तो होगी। जी उन्हें देखकर लगता था कि बहुत जरूरतमंद है, गरीब शरीफ घर की लड़की लेकिन है बहुत चालाक।
ये वासी साहब की मेहरबानियों का नतीजा है जो मिस बानो मिस आयशा की जगह पर काम कर रही हैं आज। यानी आयशा ने अपनी बहन को यहाँ पर सेक्रेटरी रुकवा दिया। वाओ, मैं तो बासित पे हैरान हूँ, इतना स्टुपिड कैसे बन गया? ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है मैम। जब मिस आयशा यहाँ आई थी उन्हें तो कुछ काम तक नहीं आता था। ओके, थैंक यू, तुम जाओ। मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बोलो। आप काइंडली बासित सर को इस बारे में नहीं बताइएगा, मेरी नौकरी का मसला है। डोंट वरी, तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगा, यू कैन गो। थैंक यू। कुछ ढूंढ रहे हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या बात करूं? मैंने तुम्हारी अम्मा से माफी मांग तो ली। अच्छा, बड़ा एहसान कर दिया आपने माम से माफी मांगकर। तुम्हारी वजह से मैं कितना शर्मिंदा हूं ना, सोचा आपकी। शर्मिंदगी की क्या बात भला, जब मैंने कुछ किया ही नहीं। नी डेट हो यार तुम, सब जानने के बाद भी ये अनजाना होने की एक्टिंग करोगी? मेरा यकीन करो, मैंने पैसे नहीं लिए। अच्छा बस, अब और झूठ नहीं सुनूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही। करती रहो तुम अपने ड्रामे, मैं जा रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो। क्या है? जो हुआ आइंदा नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है। तो साथ खड़ा तो हूँ मैं तुम्हारे, तुम्हारा साथ निभाने से कब इनकार किया है मैंने? तो अपनी अम्मा के सामने क्यों बोला था कि चली जाओ? मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो क्या आमिर, तुम मुझे छोड़ दोगे? रह लोगे मेरे बगैर? रह सकते हो खुश? क्या हम खुश हैं? क्या तुम इसे खुश रहना कहती हो? बात बात में मेरी अम्मी से बदतमीजी करती हो, इतना झूठ। मैं नहीं लड़ूंगी उनसे अब, कसम से नहीं तुम्हें शिकायत का मौका दूंगी। अच्छा वादा करो, वादा करो कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। नहीं नहीं बोलूंगी झूठ। तुम भी वादा करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, सोचोगे भी नहीं ऐसा। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ पे, तुम कब से मेंबर हो? काफी देर से, आई हैड अ मीटिंग तो इसलिए मैं आज आ गई। लेकिन तुम्हें मैं आजकल बासित के साथ नहीं देख रही, पहले हमेशा तुम उसके साथ होते थे। इज एवरीथिंग ओके? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी होम मिनिस्ट्री में बिजी होता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे बासित आयशा भाभी के साथ बिजी होते। हाँ आई बिलीव हनीमून पे गए हुए हैं दोनों, सैंटोरिनी। या पिक्चर्स नहीं देखा मैंने, बट यू नो मुझे उन दोनों का मैच कुछ समझ में नहीं आता, मिसफिट। बासित बिल्कुल अलग टाइप का है, आयशा एक और माइंडसेट से बिलोंग करती है। I don't know why he married her. पता नहीं खुश भी है या नहीं, या शायद दुनिया के सामने प्रटेंड कर रहा है कि खुश है। I don't know. ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई। तुम आयशा भाभी को जानती नहीं हो ना अभी, इसलिए ऐसे कह रही। हाँ शायद, तो फिर कैसा है? हकीकत वो नहीं होती सुहा जो नजर आती। हाँ तो क्या है हकीकत बताओ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो। उस टाइम बासित के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, सामने आयशा भाभी थी और पीछे बाप का डूबता हुआ बिजनेस, सो ही मेड अ चॉइस। क्या मतलब? आई डोंट अंडरस्टैंड। सलमान अंकल
पास हिज फादर। मरने से पहले उन्होंने अपनी विल में ये बात लिख दी कि ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ तब ट्रांसफ़र होगी बासित के नाम पे जब वो शादी करेगा, क्योंकि वो जानते थे कि बासित खुद कभी शादी नहीं करेगा। पूरी ज़िंदगी गुजार दी उन्होंने उसको इस बात पे कायल करने के लिए कि जैसे ज़िंदगी उनकी गुजरी है वैसे बासित की नहीं गुजरी। वाओ, रियली दैट मेक सेंस। नाउ आई अंडरस्टैंड कि बासित को इतनी जल्दी क्यों थी मुझसे शादी करने की। मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि शादी करो एंड आई वॉज़न्ट रेडी, सो मैंने मना कर दिया। और उसके बाद उसने आयशा को प्रपोज किया एंड ऑफ कोर्स आयशा से शादी करना तो बहुत आसान था, आयशा कभी मना ना करती। आयशा भाभी को बाकी की डिटेल्स नहीं पता। बेसिकली बासित की अपनी सास आयशा मदर, उनके साथ पैसों को लेके एक डील हुई। सलाल बेटा, मुझे अजान बहुत याद आ रहा है, तुम जैनब को ले आओ जाके। अम्मी वो खुद ही गई है, आ जाएगी। वो नहीं आएगी, मैं जानती हूँ उसे। और देखो ना, मेरी वजह से तुम्हें आज ऑफिस की फिर छुट्टी करनी पड़ गई। कोई बात नहीं अम्मी, ऑफिस से मैं छुट्टी ले लूँगा कुछ दिनों के लिए, बस आप ठीक हो जाएं। मैं बस मरने से पहले ना सारा वक्त अजान को देखते रहना चाहती हूँ। अम्मी तो आप ये मरने मराने वाली बातें बस करते हैं, रही बात अजान की, मैं उसे ले आऊंगा। मेजरी तो नींदें हराम हो गई, मेरे अंदर दर्द की टीसें उठ रही हैं। सुबह से शाम, शाम से रात, 24 घंटे एक सोचों का तूफान है जो मेरे अंदर उठता रहता है। कौन से लावे हैं ये, तो मुझे ये समझ नहीं आता, ऐसी कौन सी बात है जिसे सोच सोच के आप अपना बीपी इतना हाई कर लेती हैं। इंसान के बस में कुछ नहीं होता पानो, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं ये सोचे अपने अंदर से निकाल फेंकती। ये सोच सोच के मुझे तो होल उठ रहे हैं कि कल को अगर मालिक मकान ने इस घर पर कब्जा कर लिया और हमें धक्के देकर घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे हम। ठीक तो समझ नहीं आती माँ, पूरी दुनिया में वाहिद एक यही घर तो नहीं है ना, आपने तो इस बात को अपनी जान का रोग ही बना लिया। मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था, लेकिन आप इतनी परेशान हैं तो इसलिए बता रही हूँ। मुझे ना एक बहुत बड़ी कंपनी से ना नौकरी की ऑफर आई है अम्मा, अगर ये नौकरी मिल गई साथ में घर भी मिलेगा, बस दुआ करनी है आपने। वैसे भी कब तक मैं बासित के ऑफिस में नौकरी करती रहती। नौकरियों से घर नहीं बनते, नहीं बनते बानो। अगर बनो तुमने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगी। मैं छोड़ दूंगी आपको? क्यों? क्योंकि तुम भी तो सोचती होगी कि तुम आयशा और जोया की तरह अपना अपना घर बसाओ, हमारा घर जाए भाड़ में। मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि असल मसला क्या है, आपको मेरे छोड़ जाने का डर है या इस घर आए के घर का गम? दोनों का। सूली चढ़ूं या जहर खाऊं, मरना तो मरना ही होता है ना बानो। मैं तो कहती हूँ नौकरियों का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, एप्लीकेशन लिख कर दो तुम बासित को, वो जरूर ख्याल करेगा, वो तुम्हें लोन दे देगा। मेरी ये बात मान लो बानो। मां, आपको भरोसा नहीं है ना सही, पर दुआ तो आप कर सकती हैं ना। मेरी दुआएं कबूल होती तो आज हमारा अपना घर होता, इस तरह से दरबदर जिंदगी ना गुजारती मैं जवान बेटियों के साथ। अच्छा ना, इस तरह मायूसी की बातें अभी मत करें आप, फिर वही बातें कर रही हैं, फिर बीपी शूट होगा। आप अभी सेब खाएं, तबीयत ठीक करें मैं अपनी। Good morning.
मी। ऑफिस के कुछ मैनर्स होते हैं और उनमें से एक है सीनियर्स को सलाम करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो मैडम, मुझे एक कप कॉफी भेजना अंदर प्लीज, विदाउट शुगर। कॉफी के लिए आपको किचन एक्सटेंशन डायल करनी होगी, इट्स 09। हाँ तो आप डायल कर दें, कोई इशू है? आप भी तो हैं ना ऑफिस में। और जवाब या है ना में से कोई है तो उसे प्लीज भेजो। मास्टर सर के ऑफिस में कॉफी भिजवा दें। कुछ ज्यादा ही फ्रैंक नहीं कर लिया तुमने उसे? क्या मतलब? मैंने प्रोजेक्ट फाइल काफ़ी डिटेल में देखी है, लेकिन मिस सिन्हा मुझे लगता है कि अभी भी हमें कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाएं जिसमें पूरा प्रोजेक्ट प्लान डिस्कस हो। या ठीक है मैडम, बन जाएगी प्रेजेंटेशन। और ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, इस पर साइन चाहिए मिस बानो को आपके। मिस बानो खुद क्यों नहीं आई है कॉन्ट्रैक्ट लेकर? उन्हें कोई प्रॉब्लम थी? थैंक यू। और सुनो, मिस बानो को अंदर भेजो प्लीज। बुलाया आपने? मिस बानो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी मेरे पास आने में तो आप मुझे बता देती, मैं खुद आपके पास आ जाती। जी ऐसी कोई बात नहीं है। इस प्रोजेक्ट पे प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे और मुझे आज शाम तक रेडी चाहिए। यू मे गो नाउ। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझसे ले लीजिएगा। बॉबी, बॉबी मेरी दवाइयाँ, वो जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत एकदम से खराब हो गई है। क्यों, क्या हुआ अम्मा को? मेरी बस वही सर में दर्द हुआ, फिर चक्कर आना शुरू हो गए, गिर गई, मैंने अभी यहाँ पे लिटाया। हाय मेरा सर। बानो सुना ना तुमने, उनका दिल घबरा रहा है, तुम बस जल्दी आओ तो मैं ऑफिस के कामों की पड़ी। आप अम्मी को वो ब्लड प्रेशर की दवाई दे दे, मैं अभी काम में हूँ, मैं फारिग होके आ रही हूँ वापस। मैं अस्पताल ले जाने की बात कर रही हूँ और तुम्हें ऑफिस के काम जरूरी हुए। आप अम्मी को दवा तो देना, मैं आ रही हूँ। ठीक है मैं देती हूँ इनको दवाई, तुम बस जल्दी आओ। कम इन। मैम असाइनमेंट कंप्लीट हो गई?
ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा ही काम बाकी रह गया। देन फिनिश इट ऑफ प्लीज। कुछ पूछना है? डू यू नीड एनी हेल्प विद द असाइनमेंट मिस पानो? वो मेरी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे और आपको जाना होगा, छुट्टी चाहिए होगी। हाँ जी, असल में हॉस्पिटल लेकर जाना है उन्हें, और मुझे अपनी असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए आज की तारीख में। लेकिन असाइनमेंट तो कल ड्यू है ना। आई अश्योर यू कल सुबह तक प्रेजेंटेशन आपको तैयार मिलेगी। मिस पानो, मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ती, मुझे खुद को कल के लिए पहले से प्रिपेयर रखना अच्छा लगता है। प्रोफेशनल कमिटमेंट भी यही होती है, जो लोग मेहनत करके स्ट्रगल करके अपनी नौकरियां हासिल करते हैं उनको पता होता है प्रोफेशनल कमिटमेंट का। आई थिंक यू हैव नो आइडिया। मैं भी हलाल कमाती हूँ और हलाल खाती हूँ, मैं मेहनत और स्ट्रगल से सीख कर यहाँ तक पहुंची हूँ। मिस पानो, आप इस डाउट में मत रहिएगा कि बासित की वजह से मैं किसी भी चीज पर कॉम्प्रोमाइज करूंगी, मुझे असाइनमेंट आज ही कंप्लीट चाहिए। यू अंडरस्टैंड दैट? मैं भी इसी ऑफिस में काम करती हूँ और इस ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियरली बात स्टेट करते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय को इमरजेंसी में जाना पड़े तो उसकी छुट्टी अप्रूव कर दी जाए। आप मुझे बताएंगी इस ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस? आई एम श्योर योर मदर इज नॉट वेल और आप जरूर जाइएगा, लेकिन अपना काम खत्म करके आप असाइनमेंट कंप्लीट कर ले, ओनली देन कैन यू लीव। आई एम सॉरी, इस वक्त मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी माँ की सेहत है। आई हैव टू लीव, मैं जा रही हूँ। जा रही हो? अम्मा के पास कहाँ है अम्मा? अभी वो सो रही, मैं पास वाले क्लिनिक ही लेकर चली गई थी। डॉक्टर ने कहा है शुक्र आप सही वक्त पर आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इंजेक्शन लगाया तभी सो रही है। मैं तुम्हें दवाइयों का पर्चा दूंगी, थोड़ी देर तक ले आना। थोड़ी देर क्यों, बस दे दे, अभी मैं जाके ले आती हूँ ना। थोड़ी देर में ले आती, दे देना, उठेंगी तो उन्हें दवाइयाँ खिलानी तो होंगी। आयशा जी, क्या हो गया? आयशा क्या कह रही हैं आप? वो अम्मी और बानो की गिफ्ट से लग करने थे। आयशा, आपकी अम्मी और आपके घर वाले मेरी सारा कुपे, लेकिन आज आप सिर्फ मेरी हैं, कम अम्मी। क्या? I want to show you something. How do you like it? बिल्कुल आपके साथ की तरह, बहुत खूबसूरत। तो मैं दुआ करता हूँ कि वक्त तुम्हारे लिए हमेशा के लिए यहीं पे थम जाए। It's beautiful. So like it. तुमने बाहर जाने से पहले बताना भी जरूरी नहीं समझा? आई मीन, बंदा इन्फॉर्म कर देता है। हाँ, बस इतना अचानक गए कि किसी को बता ही नहीं सका। सो लास्ट मिनट। फर्स्ट टाइम बाहर गए थे ना ईशा के साथ? काफी ऐसे बाद, इनफैक्ट शादी के बाद पहली दफा मौका मिला कहीं बाहर गए। इट वाज नाइस। हाउ वाज योर ट्रिप?
was good. Now you tell me, meeting के बाद क्या तय पाया? हाँ, plans तो approve हो गए, बस NOC का wait हो रहा है, फिर काम शुरू करते हैं. And I think मुझे अपना कमरा अलग कर लेना चाहिए. I need to focus on work now. Sure. जी सर. मिस बानो, मैं चाहता हूँ हम मिस सोहा के लिए एक रूम सेट करें. ओके सर, आज ही हो जाएगा. शहजाद बात सुनो, वो जो हमारा कॉर्नर वाला रूम है ना, उसकी जरा सफाई शुरू करवा दो, उसको आज रेडी करना होगा. हो जाए तो बता देना मुझे. थैंक यू बॉस सर. वैसे तो आई हैव माय ओन ऑफिस इन माय कंपनी, बट ज्यादातर टाइम यहाँ गुजर रहा है तो सोचा कि यही अच्छा रहेगा. आई अंडरस्टैंड. खैर, आई एम श्योर तुम्हारी साली तुम्हें ट्रिप के दौरान अपडेट्स तो देती रहती होगी. हाँ, मैं उसके साथ कनेक्टेड था ओवर व्हाट्सएप एंड ईमेल्स. आई वाज गेटिंग टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन. कुछ ज्यादा ही फ्रैंक नहीं कर लिया तुमने उसे? क्या मतलब? माय पॉइंट इज, बिजनेस में फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए इतना. आई मीन, जॉब देने से पहले क्रेडिबिलिटी तो देखनी चाहिए ना. सही कह रही हो. सो आप फेवर तो किया मैंने उसको, बट टू बी ऑनेस्ट, सो शी इज नेवर लेट मी डाउन. और जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, वो मैं देख रहा हूं. एंड सिंस शी इज आयशा सिस्टर, मेरे लिए खास है. शी इज फैमिली नाउ. गॉट इट. Welcome back, Mr. Basit Khan. Thank you. By the way, I wanted to discuss this point with you. कितनी देर है आमिर? बस दो मिनट. बिस्किट भी लेकर आना, क्रीम वाले. अरे बेटा, कभी खुद भी हिल लिया करो. हैं? रोजाना मैं देखती हूँ कमरे में ट्रे सजाकर तुम्हारे लिए लेकर जाता ही है. लो, चाय ले आया. सुन रहे हैं आप? फिर आप कहते हैं मैं आपकी अम्मा से लड़ती हूँ. अरे, मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी? वैसे इसे तुम्हारे नाज नखरे उठाने चाहिए. क्यों? अम्मा, मैं तो सिर्फ इसका ख्याल रख रहा हूँ. अरे, ये कोई दुनिया में अनोखी थोड़ी माँ बनने वाली है. सारी औरतें माँ बनती हैं. हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, सारे घर के काम किए हैं, सास ससुर की खिदमत की है. माँ, ये इस हालत में इतना काम कैसे कर सकती है? इस हालत में मतलब? अरे, खुदा ना करे बीमार थोड़ी है ये. खैर से माँ बनने वाली है. मैं तो बस डॉक्टर के कहने पर आराम कर रही हूँ. है आजकल के डॉक्टरों का तो है दिमाग खराब. भला बताओ, कौन शुरू के दिनों में आराम करने को कहता है? थोड़ी हिलजुल करनी चाहिए, काम करना चाहिए, बच्चे के लिए भी फायदेमंद और माँ के लिए भी. मैं तुम्हें अपनी डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी, डॉक्टर नरगिस की क्लिनिक. हमारा आमिर है ना, खैर से वहीं पैदा हुआ था. हाँ अम्मा, वैसे बिल्कुल ठीक कह रही हैं. मुझे भी आजकल के डॉक्टर्स पे ज्यादा भरोसा नहीं है. मैं कल ही जाके अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ. हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी. ठीक है. मिस बानो, मिस सोहा अपने रूम में सेटल हो गई है. जी सर, शी इज कंफर्टेबल. सुपर.
अब सर वो मैंने आपको लोन एप्लीकेशन ईमेल की थी जी, मुझे आपकी ईमेल मिल गई थी। वो आपने कोई जवाब नहीं दिया उसका। वो इसलिए कि मैं आपसे इस बारे में मिलकर बात करना चाहता था। सो एक्चुअली मैंने पता कराया, जिस डीलर को आप लोगों ने घर के लिए पैसे दिए थे वो घर का ओनर नहीं था और वो पैसे लेके मुल्क से बाहर भाग चुका है और आप लोगों के साथ साथ उसने ये फ्रॉड और बहुत सारे लोगों के साथ किया है। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आप कोर्ट में ये बात प्रूव नहीं कर सकते कि उसने आपसे पैसे लिए हैं और उसके बदले आपको फेक डॉक्यूमेंट्स दिए। मैं जानती हूँ कि इस फ्रॉड को मैं प्रूव नहीं कर सकती, इसीलिए तो लोन अप्लाई किया है मैंने। आपने आयशा को तो इस बारे में कुछ नहीं बताया? उसे अभी तक कुछ नहीं पता। सुपर। वैसे उस दिन मैं ये बात आपसे पूछना भूल गया था, आपको किसने बताया था कि मैंने आपकी अम्मी को प्रॉपर्टी के लिए पैसे दिए थे? शायद मेरी बदकिस्मती थी जो मैंने आपको अम्मा से बात करते हुए सुन लिया था कि आपकी आयशा से शादी पैसों की शर्त पर हुई है। जस्ट मेक श्योर कि आप आयशा को इस बारे में कुछ नहीं बताएं। मैं चाहता हूं उसको कभी भी कुछ ना पता चले। ठीक है, नहीं पता चलेगा उसे कि उसकी माँ ने उसके एहसासात की इतनी सस्ती कीमत लगाई। मैं आप लोगों के लिए घर का बंदोबस्त करता हूँ। सर नहीं प्लीज, मैं कोई एहसान नहीं लेना चाहती हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि आप ये लोन मंजूर करवा दें। No, but why should I not just sort out a house for you guys? क्योंकि रिश्तेदारी अपनी जगह, मैं चाहती हूँ कि मैं घर लोन से खरीदूँ अगर आप अप्रूव करवा दें तो। Okay, as you wish. Thank you. चेकअप कहाँ से निकल आया ये चेकअप? ये हुआ तो मेरा तो भांडा फूट जाएगा और फिर ये औरत एक पल भी इस घर में टिकने नहीं देगी। मैं तो कहीं से माँ नहीं बनने वाली, और आमिर उससे पता चला कि वो बाप नहीं बनने वाला और मैंने झूठ बोला है, फिर तलाक। नहीं क्या करूँ अम्मा। हेलो अम्मा, मैं बहुत परेशान हूँ सच में। परेशानी में तुम्हें माँ याद आ गई? ना माँ का हाल पूछा ना तबीयत पूछी, कितनी खुदगर्ज़ हो तुम। हाँ हूँ, हू बहू आप पर गई हूँ, मैं बस बहुत परेशान हूँ। ऊपर से तुम बदतमीजी कर रही हो माँ से। अम्मा मेरा मसला तो सुने। अरे अपने मसले खुद सुलझाओ, ब्याह दिया पाल पोस कर बड़ा कर दिया, बस अब तुम जानो और तुम्हारा घर। आइंदा फोन ना करना मुझे मसले लेकर। बेटियों की मां होने से बड़ा इम्तिहान कोई नहीं औरत का। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली।